जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं फिजिक्स का फाइनली असली पेपर लेकर आ चुका हूँ। ये देख सकते हो, मैंने जो कि प्राइवेट ग्रुप में डाला था और सभी बच्चों को दिया था, तो बच्चे ने किसी के साथ शेयर कर दिए हैं, तो ये पेपर किसी के पास पहुँच गया होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने सबसे पहले पेपर दिया है प्राइवेट ग्रुप में, और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन भी इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ग्रुप में दिया था लेकिन अब लीक हो गया, तो मैंने सोचा कि इसको चैनल पर भी डाल दूँ। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो, एक समान थोड़ी गति गति में खाली स्थान पर जोड़ते हैं कि दर समान होती है। सभी का उत्तर लास्ट में मिलेगा, जल्दी जल्दी आप देख लो। पहले का देख लो, यहाँ पर किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले धन का अवयव खाली स्थान मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये देख लो, इस तरीके से इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि पूरा 3 नंबर देख लो, किसी क्षण वस्तु का वेग उस क्षण स्थान समय ग्राफ के भी खाली स्थान के बराबर होता है। इसके बाद संवेग परिवर्तन की दर खाली स्थान कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर किसी वस्तु का खाली स्थान उसके गति गति जड़त्व की माप होता है। उसके बाद किसी पिंड के अनंत में गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य खाली स्थान होता है। इस तरीके से देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सही जोड़ी मिलाना होगा, तो आप यहाँ पे मिला लीजिएगा और पहले का दूसरे का बहुत जल्दी जल्दी मिला लीजिए। मैं लास्ट में इसका उत्तर दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, सत्य सत्य देखना है, सत्य सत्य भी आपको देख लेना है। यहाँ पे पहले नंबर है कोई त्वरित गति वृत्ताकार कब होती है, 2 नंबर में कोई त्वरित गति परवलाकार कब होती है। इसके बाद 3 नंबर पे मेज पर रखी 100 ग्राम द्रव्यमान की किसी पुस्तक पर अभी लंब प्रक्रिया का मान कितना होगा। चौदह ध्रुव अंतरा सदिश राशियों में सदिश गुण क्या शून्य होगा। इसके बाद चंद्रमा का पृथ्वी के आसपास आसपास वित्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के गति आवश्यक अभिकेंद्रित बल का क्या कहाँ से प्राप्त होता है, ये देख लेना है। इसके बाद सत्य सत्य देखना है, सत्य सत्य यहाँ पे बहुत अच्छे से स्क्रीन शॉट लेते जाना है, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद नीचे जाना है, नीचे आपको देख लेना है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर प्रारंभिक वेग तथा 1 m² त्वरित में त्वरित पिंड का एक इसको पश्चात इसको देख लीजिए। इस तरीके से जल्दी जल्दी आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसको जल्दी तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हो, जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लीजिएगा, पृथ्वी केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान लिखना होगा। किसी पिंड पर एक यफ बल कार्य कर रहा है जिसके विस्थापन डी उत्पन्न होता है, इसको देख लेना है। इस तरीके से इसको सभी को देख लेना है आपको। इसके बाद आप देख सकते हो, किसी गतिशील पिंड पर कोई भी नेट बाहर बल कार्यरत नहीं है, इसको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख लेना है, ये देख लेना है 6 नंबर और 7 नंबर, पूरा स्क्रीन शॉट लेते जाना है। और यहाँ पे देख लेना, पूरा A to Z ही आपको एग्जाम में आने वाला है। 14 नंबर देख लेना है, इसको देख लेना है, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर। इसके बाद ये रहा आपका 14 नंबर, 18, 19, 20, ये आपका सभी का उत्तर है। 17 का 8, 9, 11, 12 पूरा आपको लिखते जाना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, 6 का है। इसके बाद 16 का है, 19 का है, इस तरीके से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, 18 नंबर। इसके बाद विद्यार्थी 18 के बाद ये आगे का है, तो वीडियो रोक रोक के देख लीजिए, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।